उस राम मंदिर के नाम पर बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून ना कौले वो खून नहीं वो पानी है। ये तो हिंदुस्तान की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, उनकी भाषा को स्वयं समझ सकते हैं। हम तो क्रांतिकारी विचार के लोग हैं। मैंने कमलनाथ जी का 20-15 साल पहले घेराव कर दिया था। पहला प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई इस हिंदुस्तान की धरती पर लड़ा। छिंदवाड़ा जिला इतिहास बनाएगा और पंखा बाबा की विदाई करेगा। आप इतिहास उठाकर देखिए कि सांसद नकुल नाथ जी ने अपने बेटे के नाम पर राजनीति करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पूरी 29 सीट आने वाली है। उस दिग्विजय सिंह की सरकार के अंदर किसान एक एक मिनट की बिजली के लिए तरसता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसान खुशहाल हो गया है। कांग्रेस ने जो प्रताड़ित करने का काम किया है, आज हमें बोलने की जरूरत नहीं है। भारत का आम नागरिक बोल रहा है मोदी मोदी मोदी। आपको लग रहा है सर नकुलनाथ ने कहा कि कमलनाथ ने बहुत काम किया, 45 साल में आएंगे फिर? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे क्या वो आएंगे, ये तो जनता तय करेगी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सबके उसका सम्मान है ना, सबकी राय। जी जी, सबकी राय का सम्मान है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा की धरती ने तय कर लिया है कि लोकल व्यक्ति चाहिए। यहाँ पर हम आजाद भारत के अंदर पैदा हुए, लेकिन आज़ादी के बाद से सिर्फ सुंदरलाल जी पटवा यहाँ से चुनाव जीते, उसके बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाया। तो आज छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया है कि किसी भी हालत में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीतेंगे इस बार। हम तो भारतीय जनता पार्टी के ही और मोदी के परिवार हैं, और आज की डेट में जो मोदी की लहर है, मोदी ने जो करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाई है, वो आज तक के तीन पीढ़ी चली गई, एक पीढ़ी की छोड़ो, तीन पीढ़ी मोदी जैसा कार्यकाल किसी का नहीं रहा। जैसे इन्होंने परिवार की बात की, अब जैसे मैंने उनसे पूछा, अब शक्ति को लेकर के पूरा देश भर में चल रहा है, बार बार ये कहा जाता है जैसे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अब चाहे फिर वो हिंदू धर्म को लेकर हो, अब परसों ही कहा राहुल गांधी ने कि हम शक्ति के खिलाफ हैं, हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसके खिलाफ हैं। फिर दिग्विजय सिंह उनको डिफेंड करते हैं ना, ये असुरों की शक्ति है बीजेपी, हम ये असुरों की शक्ति के खिलाफ है, तो उसको डिफेंड करने के लिए भी आते हैं नेता। नहीं नहीं नहीं, क्या है इनकी अब क्या सोच है, ये तो हिंदुस्तान की जनता जानती है कि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, उनकी भाषा को स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता समझ रही है कि आने वाले समय में मोदी का राज है, मोदी का राज चलेगा, और मोदी की जो लहर है, मोदी जी ने जो किया है हिंदुस्तान की धरती के ऊपर, आज़ाद भारत के अंदर पहला प्रधानमंत्री हुए नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई इस हिंदुस्तान की धरती पर लड़ा और हिंदुस्तान के आम आदमी को पूरा अधिकार और हक देने का काम किया, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, और छिंदवाड़ा जिला इस बार छिंदवाड़ा जिला एक इतिहास बनाएगा, छिंदवाड़ा जिला इतिहास बनाएगा और पंखा बाबा की विदाई करेगा, ये हम बता रहे हैं। पंखा बाबा हम बता रहे हैं क्या हुआ कि हम लोग जमीन पे चलने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर पहली बार हमने देखा आजाद भारत के अंदर कि कोई व्यक्ति चुनाव के समय, आप इतिहास उठाकर देखिए कि सांसद नकुलनाथ जी ने लोकसभा के अंदर कितने प्रश्न जल जंगल और जमीन और धरती और आदिवासी के नाम पर उठाने का काम किया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन्होंने मौन व्रत धारण करने का काम किया, एक भी सवाल किसान मजदूर गरीब और आदिवासी के नाम पर सांसद ने उठाने का काम नहीं किया, अपने बेटे के नाम पर राजनीति करने का काम किया। लेकिन हिंदुस्तान की धरती और छिंदवाड़ा की धरती ने इस बार तय कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, कमल का फूल खिलेगा, नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री होंगे और बंटी साहू लोकसभा के अंदर इस बार जाने वाले हैं, कोई ताकत नहीं रोकेगी। हाल ही में जो चुनाव हुआ दिसंबर में विधानसभा का, 7 सीटें, सातों की सातों पर लेकिन कांग्रेस जीती। बहुत अच्छा, आदरणीय आपने प्रश्न किया है, मैं आपके चैनल पे आपका सम्मान करता हूँ, इतना बढ़िया आपने प्रश्न किया है। इसका कारण एक ही था, इन्होंने जो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक माहौल बनाया था कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, हमारी जनता गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनकी समझ में थोड़ा सा उनको लग रहा था कि हम जो वोट दे रहे हैं छिंदवाड़ा में वो मुख्यमंत्री को दे रहा है, विधायक को नहीं दे रहा है। इसीलिए कमलनाथ जी ने सातों सीट यहाँ पर जीती थी, लेकिन इस बार सातों की सातों सीट पर
हम कमल को खिलाएंगे और बंटी भाई को हम पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करेंगे, नरेंद्र मोदी का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी पहले पहले से ही जो है ईवीएम पर बातें शुरू हो गई हैं। राहुल गांधी ने भी कहा जब तक ईवीएम है तब तक मोदी जीतेंगे और मोदी मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं सारा अंदर का सिस्टम समझता हूँ, ये राहुल गांधी ने। बताइए आप हमें बताइए ये ईवीएम लाया किसने, अब ईवीएम लाया किसने, ईवीएम लाया किसने, ईवीएम किसने लाया, ईवीएम किसने लाया, क्या नरेंद्र मोदी जी आए, क्या नरेंद्र मोदी जी आए तब ईवीएम आई कि इसके पहले आई है? जब इसके पहले ईवीएम आई, जब छिंदवाड़ा की सातों सीट आपने जीती है, हम इस बार कमलनाथ जी से भी पूछना चाहते हैं, राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, आपने इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया कि सातों सीट कैसे छिंदवाड़ा की जीती है? इस पर आपको सवाल उठाना था, लेकिन राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने सवाल नहीं उठाया, दिग्विजय सिंह ने सवाल नहीं उठाया, इसलिए ईवीएम कोई प्रश्न नहीं है। अभी आंधी है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर में एक आंधी और तूफान है, हम हिंदू है और इतने सालों से जो हमारा राम मंदिर का मुद्दा था, उस राम मंदिर के नाम पर बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, जिस हिंदू का खून ना कौले, वो खून नहीं वो पानी है, हम तारीख भी वो बताएंगे, हम भी बनाएंगे, ये हमने नारा को साबित किया और मोदी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पर काम किया है। आने वाले समय में बंटी भाई जो है वो छिंदवाड़ा से चुनाव जीतेंगे, पूरी ताकत से जीतेंगे और हम इनकी विदाई करने का। प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट कमल के फूल की, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर पूरी 29 सीट आने वाली है। समय बहुत कम है, एक महीना इंतजार करिए, आपके चैनल पर हम बताने वाले हैं। मेरा नाम श्रीचंद चौरिया है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं अभी आया हूँ, मैं भारतीय जनता, मैं किसान कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, इसी जिले से किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष अभी मैं 15 दिन भी नहीं हुआ, 6 दिन हुआ है, हाँ मैं अभी आया हूँ, 6 दिन आया हूँ, लेकिन इस 6 दिन के अंदर हम एक नई क्रांति यहाँ पर पैदा करने का काम कर रहे हैं। किसान कांग्रेस से आए हैं, अभी तो एक पूरा, मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ, वहाँ पर एक पूरा माहौल बनाया गया कि किसान विरोधी है बीजेपी सरकार, वो किसानों का दिल्ली मार्च और तमाम चीजें। आप मुझे बताइए कि कैसे किसान विरोधी है, कैसे किसान विरोधी आप कह सकते हैं? किसानों को क्या सम्मान निधि नहीं मिल रही, किसानों को क्या मौजा का पैसा नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, क्या किसान? अरे सर आप देखिए, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस दिग्विजय सिंह की सरकार के अंदर किसान एक एक मिनट की बिजली के लिए तरसता था, किसान तरसता था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार 18 साल 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, किसान खुशहाल हो गया है, किसान आज चैन की नींद सो रहा है और इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीट मोदी जी के नाम। 6 दिन पहले तक कांग्रेस पार्टी लग नहीं रहा। देखिए हम तो क्रांतिकारी विचार के लोग हैं, हम आपको बता रहे हैं, हम वो व्यक्ति है जो अन्याय करता है, अत्याचार भ्रष्टाचार गुंडागर्दी उसके खिलाफ मुकाबला करता हूँ, और आपको बता रहा हूँ मैंने कमलनाथ जी का 20-15 साल पहले घेराव कर दिया था, जब मैं कांग्रेस में नहीं था, मैं किसान के साथ में था, मैंने मुद्दे के ऊपर बात किया, मैंने तो कहा कि ये इतने लंबे समय से यहाँ राज कर रहे हैं, हो सकता है इनकी सोच होगी किसान मजदूर के संबंध में, लेकिन जब मैं डीपली उनको समझने का काम किया तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो देश के अंदर काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो हिंदुत्व के ऊपर काम कर रही है, हमारे गरीब के ऊपर काम कर रही है, हमारे स्वाभिमान को जिंदा करने का काम कर रही है, और जो कांग्रेस ने जो प्रताड़ित करने का काम किया है, आज हमें बोलने की जरूरत नहीं है, भारत का आम नागरिक बोल रहा है मोदी मोदी मोदी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। छिंदवाड़ा का माहौल है इस समय, जहां भी मैं जा रहा हूं, दिन में दूसरी विधानसभा गया था वहां भी यही देख रहा हूं कि एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता निकल करके, कांग्रेस से निकल करके जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि जो नकारा जा रहा है और 40-45 साल हो चुके हैं, जो कांग्रेस का जो कैडर कार्यकर्ता है उसको जो सम्मान नहीं मिल रहा, इसी वजह से आप देख सकते हैं यहां बदलाव। आप देखना होगा, आपने यहां राय इनकी खुद सुनी कि आने वाली 19 अप्रैल को क्या होने वाला है और 4 जून को क्या नतीजे परिवर्तित होंगे, वो खुद छिंदवाड़ा
दंतेवाड़ा की जनता से आपने सुना। अब आपको इस पूरी चर्चा से जो लगा आप जरूर हमारे साथ शेयर करें। और जनता का सर्वे 2024 लोकसभा चुनाव का हमारा लगातार जारी है। भाई इस बार लोकसभा जाएंगे साहब, 100% जाएंगे, आप इसमें रिकॉर्ड करके रखिए। चोट करा रही है बंटी भाई और नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार की बारी है। यहाँ पर छिंदवाड़ा की बात कर रहे, देश में तो सरकार है ही, हम छिंदवाड़ा की सरकार लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनाने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।